बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भूखे नंगे भिखारी। तेरा बाप तेरे नाम का चेक छोड़ गया था यहाँ, या ये धर्मशाला समझ रखी है? अरे साहब, इसे भगाओ मत, इससे काम करा लो और इसे बदले में खाना दे देना। सही कह रहा है रामू, जा इसे बुला के ला। अरे छोटू जल्दी हो जरा, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। रामू, इसे काम दिखा और फिर शाम को इसे खाना दे देना। साहब, सुबह सुबह कैसा शोर मचा रहे हो? तेरा ही चेला था ना ये? क्यों बेनाथ, तुझे सोने के लिए रखा है यहाँ पर? रामू, इसे काम दिखा। सुल्तान शाही, दीपक डान, हलचल शेख शेखोपम, रुबाबी रुस्तुम रूपम, राजमकुटम दंडा, तालमेश पे दंडा, टक्करिया मदंडम। साहब माफ कर दो साहब, मैं अभी साफ कर लेता हूँ। अरे बिल से निकले हो चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी गिरने की? तुझे पता है दीपक डॉन है मेरा नाम, जिसे सुनकर अच्छो का मुंह निकल जाता है। जा अपने मालिक को बुला। जी साहब, क्या हुआ? देखना, इसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। साहब माफ कर दो हमें, ये बालक है, इससे गलती हो गई। तुझसे ढंग के बंदे नहीं रखे जाते, तूने ये चूजे पाल रखे हैं। बालक है साहब, नया आया है, वरना आपको कौन नहीं जानता। अगली बार आऊँ तो मुझे दिखे नहीं है। क्यों बे हरामखोर, एक तो तुझसे काम नहीं होता, ऊपर से मेरे ग्राहकों का नाश कर रहा है। आइंदा ऐसी गलती हो ना जाए। कुछ खाने को दे दो। कैसे? जाके पहले बर्तन साफ कर, तुझे खाने के लिए नहीं रखा है यहाँ पे, चल जाए। अरे साहब आइए आइए, चाय वाय लीजिए, आइए साहब। जल्दी आकर अंदर बच्चों का धोखा दे ना, ऑफिसर की नज़र पड़ गई ना तो जेल जाएंगे। ठीक है सर, भेजा है साहब, चाय ले। हम यहाँ तेरी चाय पीने नहीं आए। ऑफिसर चेक करो। सर इसमें तो बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं। साहब मैंने वो सारे बच्चे निकाल दिए। तू सोच रहा होगा मुझे ये सब कैसे पता चला, तो याद कर मैं वही लड़का हूँ जो तेरे होटल पर काम करता था, जिससे तू भूखे पेट काम कराता था और रोटियों के लिए तरसाता था। वो तो सही हुआ भले मानस इंसान का जो तेरे जंजाल से मुझे छुड़ा कर ले गया, और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुझे जेल की सलाखों के पीछे ले जाने आया हूँ। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू लाचार और बेबस बच्चों से अपने होटल में काम कराता है, इनकी पढ़ने लिखने की उम्र में, और ये बेचारे पेट की भूख के लिए काम करने लग जाते हैं और तुम लोग उसी बात का फ़ायदा उठाते हो, उन्हें खाना देने की जगह दिन भर उनसे काम कराते हो। वैसा बहुत हुआ, मेरे होते हुए ये सब नहीं चलेगा, और इसीलिए आज मैं IAS ऑफिसर बन के आया हूँ ताकि तुम जैसे लोगों को सबक सिखा सकूँ। बेटा अब तुम्हारे पाप का गड़ा बढ़ चुका है, ऑफिसर लेके चलो इन्हें। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा बच्चे के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ दिखाई दे या तो पुलिस को इन्फॉर्म करें या उसकी मदद करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।